हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैंने कल इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट किया था प्रियंका का ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है 4 मंथ्स का। नाउ 4 मंथ्स के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन देख के सो मेरे बाकी मेंबर्स बड़े ज़्यादा एग्रेसिव सी हो गए। आज सुबह से मेरे पास बैक टू बैक कॉल्स थे कि यार सुमन, हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो स्लो क्यों है, किस लिए स्लो है, क्या रीजंस है जो स्लो है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने आज सुबह से समझाया और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये चीज़ यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आपका वेट लॉस का जो जर्नी है, अगर आप सब कुछ प्रॉपर कर भी रहे हो तो क्या क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से स्लो है। तो कुछ मेंबर्स का मेनली एक यही रीज़न निकल के आया था, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड डाइजेस्टिव इश्यूज़, या फिर इन्फेक्शंस, या फिर अल्सर, एंड या फिर कुछ भी खाने के बाद, इनफैक्ट पानी पीने के बाद भी बॉडी में स्वेलिंग आना, एंड नींद का पूरा ना होना, उसके अलावा पानी का इंटेक जो है ऑन ऑफ रखना, उसके अलावा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, या फिर काफ़ी लोगों के साथ तो ऐसी वाली सिचुएशन है कि स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है, ब्लोटिंग इतनी ज़्यादा, मेरे बाकी मेंबर्स जो है वो खाना ही नहीं खा के राजी ना, मतलब उनको ऐसी फीलिंग है कि यार मैं खाऊंगी तो मैं फिर से फूल जाऊंगी, तो मैं एक बेसिक जो अपना मील है मैं उसको भी स्किप ही कर दूं। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मैंने पिछले काफ़ी टाइम से देखे, रीड किए। अब मुझे लगता है यार ये तो बेनिफिट गलत है ना, कि अगर मेरे पर्सनल वाले लोगों को ये सब चीज़ें पता चल रही हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं पता चले। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा क्विक सा सॉल्यूशन इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर। जब भी आपका वेट लॉस चल रहा है, बट आप अगर वेट लॉस जर्नी आप पर्सनली फील कर रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो है, आपका काफ़ी ज़्यादा रुक रुक के वेट जा रहा है और बहुत धक्का मारना पड़ रहा है आपको अपने वेट लॉस जर्नी में, तो आप उसके रीजंस कैलकुलेट करो। 99.9% रीज़न निकलेगा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो भी आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू चल रहा है, या फिर आप नोटिस करोगे आपके बाउल मूवमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपके बॉडी में वाटर होल्ड हो रहा है, या फिर आपके जो मील्स हैं वो खाने के बाद एकदम से बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है, इन सब रीजंस का इक्वल टू सॉल्यूशन निकलता है कुछ भी ऐसे पाउडर्स, कुछ भी ऐसे होममेड चूर्ण, या कुछ भी ऐसी ड्रिंक्स जिसकी हेल्प से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव किया जा सके। एंड आप एक चीज़ बिल्कुल गौर से नोटिस करना, जब भी आप किसी भी वेट लॉस जर्नी पे होते हो, 2 दिन तक आप बहुत ज़्यादा पतले और लीन फील करते हो, 3रे दिन या 4थे दिन कभी भी कोई भी ऐसी मील लेते हो या कुछ भी ऐसा गड़बड़ होता है कि आपका बेली जो है वो बिल्कुल ब्लोट होके बाहर आ जाता है। आपने कभी रीज़न सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप फिर 2 पिछले दिन का कैलकुलेशन देखो कि आपको 2 पिछले दिन बहुत अच्छे से बाउल मूवमेंट क्लियर हुआ होगा, आपका वाटर बहुत अच्छे से बॉडी से फ्लश ऑफ हुआ होगा, एंड आप बहुत लाइट फील कर रहे होगे। अब 2 दिन पहले का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से रेस्ट भी किया है, स्लीप भी लिया है, मील भी प्रॉपर चला है, एंड उसके साथ साथ आपने पानी का इंटेक भी प्रॉपर रखा है, बिल्कुल स्ट्रेस अवॉइड करा है, एंड बिल्कुल नॉर्मल एक जर्नल लाइफ जी है। बट हल्की सी भसड़बाजी आते ही आपका जो पूरा लाइफस्टाइल की बैंड बच जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेस किसी की लाइफ में आएगा नहीं, हमें काम भी करना है, 10 चीज़ें और भी देखनी है, तो उसके साथ साथ रहते हुए हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करना है। आयुर्वेदिक ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिसकी हेल्प से हमारी किचन के एक बेसिक इंग्रेडिएंट से ही हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, बर्बिंग, फार्टिंग, खट्टी डकारे आना, कॉन्स्टिपेशन मैसिव रहना, पाइल्स, फिशर्स जैसी प्रॉब्लम, पानी पीते हो यूरिन भी फ्लश ऑफ नहीं होता। रीज़न बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा हाई इनटेक ऑफ सोडियम, बहुत ज़्यादा शुगर का खाना पीना करना, और बट अगर आप डाइट पे भी हो स्टिल आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तब उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन निकलता है एक वेट लॉस का चूर्ण या सम पाउडर्स, या फिर घर के बेसिक इंग्रेडिएंट जिसकी हेल्प से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, ब्लोटिंग रिड्यूस होगी, आपको बाउल मूवमेंट डेली का क्लियर होगा 1 से 2 बार। और ट्रस्ट मी, जब आप इन सब चीज़ों के साथ चलते हो अपने वेट लॉस जर्नी के, तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत बहुत जल्दी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, टाइम पे सब चीज़ें चला रहे हो, बट आपको अगर बाउल मूवमेंट ही क्लियर नहीं है सुबह उठ के, आपका जो वेट है वो कैसे नीचे दिखेगा आपको वेइंग स्केल पे, और पूरे दिन के मूड की ना बैंड बजी रहती है। फिर रात को काफ़ी लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि रात को वो सो भी नहीं पाते कि सुबह का वेट कितना आएगा कितना आएगा, कॉमेंट करके बताना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक क्विक एंड सिंपल सा सॉल्यूशन, हमारा वेट लॉस का चूर्ण, जो कि मैं भी पर्सनली लेती हूँ, मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स को देती हूँ जिनका डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिनकी इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, जो लोग मेरे पास आते हैं खूब सारा मैदा और मैगी खा के, जिनका बहुत ज़्यादा जंक ईटिंग हो चुका है और अचानक से उनको इंसान बनने की जागरूकता जग जाती है, तो उन सबको मैं ये चूर्ण देती हूँ। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से होंगे।
सो आज चलते हैं किचन में और हम बनाते हैं मेरा वेट लॉस चूर्ण, जो कि बनेगा बेसिक इंग्रेडिएंट से, घर की चीज़ों से, जस्ट अफोर्डेबल चीज़ है बहुत सारी की सारी। और आप शॉक हो गए ये सारी चीज़ें आपकी किचन में है, और उसको लेना कैसे है वो भी मैं बताती हूँ अपनी किचन में। सो चलते हैं पहले किचन में और बनाते हैं हमारा चूर्ण। ओके, अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा वेट लॉस चूर्ण, बट उससे पहले मुझे चाहिए एक हमारे पास अच्छा सा पैन और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। सो वन बाय वन मैं इसमें डालूंगी एंड आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालती हूँ मेरे पम्पकिन सीड्स, एक चम्मच जितना पम्पकिन सीड। नाउ पम्पकिन सीड्स के अंदर होते हैं जिंक एंड मिनरल, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे हमारी इम्यूनिटी पुश करेंगे और हमारी बॉडी से बैड बैक्टीरिया और जितने भी इन्फेक्शंस है उसको बाहर करने में हमको हेल्प करेंगे। सेकेंड, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे धनिया सीड्स। ना धनिया सीड्स क्या करता है, रिच सोर्स है वाइटामिन के का। अब वाइटामिन के कैसे वर्क करेगा हमारी बॉडी पे, ना वाइटामिन के जो है हमारी बॉडी के गट हेल्थ पे काम करता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करता है, तो बाकी वाइटामिन भी करते हैं बट वाइटामिन के जो है वो अच्छा और मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, अब मैं इसमें डालूंगी मेरे फेनल सीड्स। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा काफ़ी रेस्टोरेंट में भी जब भी हम जाते हैं तो फेनल सीड्स वहाँ पे रखे होते हैं विद सम गुड़, जैगरी या फिर चीनी या फिर मिश्री के साथ। फेनल सीड्स क्या करता है, एक तो सबसे अच्छी चीज़ है ये अस्थमा पे वर्क करता है, अस्थमा को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हाई इन फाइबर है। अनदर पार्ट, जिन जिन लोगों को गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, जिन जिन लोगों को खाने के बाद एकदम से पेट फूल जाता है, ब्लोट हो जाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। अनदर थिंग, जितनी भी लैक्टेशन मदर्स हैं हमारी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा बेनिफिट देता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। एंड उसके अलावा जितनी भी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस होते हैं उसको रिड्यूस करने में फेनल सीड्स बहुत अच्छा काम करता है। अब इनको सबको अच्छे से भून रहे हैं हम ताकि थोड़ा सा अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा जीरा। अब जीरा तो बहुत अच्छा सोर्स है हमारा एंटीऑक्सीडेंट का, सबसे अच्छा फैट बर्निंग हमारा सीड्स है, और जीरा सबसे अच्छा काम पता है कहाँ करता है, ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है। जिन जिन लोगों का हेयर फॉल रहता है, एनीमिया है जितने लोग, या फिर जिन लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, और जो लोग बहुत सारा हलीम सीड्स, रेड जूसेस लेके भी देख रहे हैं, साथ साथ जीरा अपनी डाइट में ऐड करो। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सौंफ तवे पे भून के अगर डेली भी खाएंगे तब भी जो है आयरन लेवल इम्प्रूव होगा ही होगा। अनदर चीज़, जिन जिन लोगों को हेयर फॉल रहता है वो भी अगर जीरा को रेगुलर बेसिस पे एवरी मील के बाद खाते हैं उनका हेयर फॉल रिड्यूस करने में भी जीरा बड़ा अच्छा काम करता है। साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इन सबको रिड्यूस करने में तो जीरा हेल्प करता ही करता है। नेक्स्ट, अब मैं डाल रही हूँ अजवाइन। नाउ सारे इंग्रेडिएंट जितने डालें अजवाइन उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे डालेंगे। अजवाइन एक बहुत अच्छा सोर्स है डाइट्री फाइबर का एंड इम्प्रूव करेगा आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को। अनदर पार्ट, जिन जिन लोगों को ब्लोट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अनदर पार्ट, जिन लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन रहता है वो अगर ये चूर्ण थोड़ा सा ले लेंगे, पानी में मिक्स करके या रॉ खा लेंगे तब भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा उनको। नेक्स्ट, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेरा अमचूर पाउडर, आधा चम्मच जितना। गैस को कर दिया मैंने बंद। अमचूर पाउडर क्या काम करता है, एक तो ये बड़ा अच्छा रिच सोर्स है वाइटामिन ए, सी एंड डी का। अच्छा, जिन जिन लोगों को रहता है ना कि खट्टी डकारें हो रही हैं, बर्बिंग है, फार्टिंग है, जिन लोगों का बिल्कुल स्टमक इन्फेक्टेड रहता है बहुत ज़्यादा, जिनको लाइक वाटर रिटेंशन भी साथ साथ रहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि भूख लग रही है फिर भूख नहीं भी लग रही है, मतलब कि अनबैलेंस डाइट हुई पड़ी है, वो लोग हर एक रेसिपी में चुटकी भर अगर अमचूर पाउडर डालते हो उसके बाद अब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखना कितना तगड़ा वर्क करता है। बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने में अमचूर पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। अगर पानी के अंदर मिक्स करके आप चुटकी भर लो, बहुत खट्टा होता है, इसको आधा आधा चम्मच ही नहीं ले सकते हम, जस्ट यू नो पिंच आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तभी मैंने इस चूर्ण के अंदर भी डाला है, मतलब जितनी चीज़ें इस चूर्ण के अंदर डली हैं सबके सब ऐसी हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिक रेट पे काम करेगी। एंड में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेरा पिंक सॉल्ट, इसको अच्छे से मिक्स करा, थोड़ा सा कूल होने देंगे हम इसको अभी, फिर हम इस सबको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करेंगे। सबको हम मिक्सी में डालेंगे। पाउडर
स्टोर करके रख सकते हैं हम कम से कम 15 दिन के लिए, तो इजी है, चलेगा ही चलेगा। फ्रिज में नहीं रखना इसको, हम बाहर रख के स्टोर कर सकते हैं। ओके, बेस्ट वे इसको लेना कैसे है, गरम पानी लिया आपने आधा कप, और इसके अंदर हम डालेंगे दिस मच ऑफ हमारा चूर्ण, और हम इसको कंज्यूम करेंगे वाटर को, ए पार्ट। सो बी पार्ट, ये वाटर लेना कब है, या तो आप सुबह इसको अपने नाश्ते के बाद ले सकते हैं, या रात को सोने से पहले एज अ नाइट ड्रिंक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन है एंड आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, देन ये वाटर हम हटाते हैं। हम इसको पिंच हाथ में लेंगे, और अब जैसे हम पुराने ज़माने में कहते हैं ना, इसको च्यू करना, मुँह में डालेंगे इतना आफ्टर एवरी मील, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, और इसको हम लगातार 3 से 4 दिन तक कंज्यूम करेंगे। फर्स्ट डे के बाद ही आपको बहुत अच्छा से रिलीफ मिल जाएगा, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए तो आप इसको 4 से 5 दिन लगातार आफ्टर एवरी मील इतना पाउडर कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप बाहर से आए हैं या फिर आपको 3-4 दिन से बिल्कुल ब्लॉकेज हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी आप फ्रेश नहीं हो रहे हो, आपको बहुत हैवी मैसिव आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है, एंड या फिर आपने बहुत ज़्यादा बाहर का जंक वगैरह खूब सारा खाया है, और अचानक से आपका दिमाग चलता है कि नहीं जी, मैं इंसान बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, मैं दोबारा से अपने आप को वेट लूज़ करने पे आती हूँ, या मैं अपने बॉडी को क्लीन करने के चक्कर में हूँ, तब आप एक गिलास लेंगे बटर मिल्क। ये है बटर मिल्क, बहुत कम दही है इसके अंदर, एंड इसके अंदर आप डालेंगे इतना दिस पाउडर, इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से आप इसको कंज्यूम करेंगे। बेस्ट टाइम है इसका ब्रेकफास्ट के साथ, या लंच के साथ, या फिर इवनिंग का जो स्नैकिंग होता है उस टाइम पर। सो यस, वेलकम बैक। सो ये जो चूर्ण है, आप अपनी किसी भी डाइट में अगर आप चला रहे हो, किसी की भी डाइट आप कर रहे हो, कैसे भी डाइट आप कर रहे हो वेट लॉस जर्नी पे हो, और अगर आप बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हो, देन ये चूर्ण डेफिनेटली ऐड करना, जैसे मैंने आपको बताया है। एंड सबसे बड़ी चीज़, इस चूर्ण को लेने के बाद आपके जो बाउल मूवमेंट्स है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपका ब्लोटिंग घटेगा, आपका यूरिन में इन्फेक्शन भी अगर चल रहा होगा वो भी जाएगा, एंड आपकी बॉडी में अगर हीट हो रही है, हीट स्ट्रोक आया, वो भी हिलेगा, एंड सबसे अच्छी चीज़, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, क्योंकि अंदर से सब कुछ डिटॉक्स हो रहा है, आपके हेयर फॉल भी रिड्यूस होगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, एंड लीव अ कमेंट कि अगर आपको ऐसी और बहुत सारी रेसिपीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए वेट लॉस को बहुत ज़्यादा पुश और फास्ट करने के लिए। मुझे बहुत हैप्पी होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो या दैट्स ऑल, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।